हैं? दादाजी कहते हैं कि परेशान और मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। आज हम सबकी मदद करेंगे। हाँ। बॉस, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, वो है बिल्ली जो चूहे के पीछे भाग रही है। बिल्ली भर करके चूहे के पीछे पड़ी है, ये हम सबको दिख रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। चूहा और बिल्ली बारिश में भीग रहे थे तो हम इन्हें अंदर ले आए, फिर दोनों लड़ने लगे। बच्चों, पकड़ो इन दोनों को, नहीं तो घर में आज एक भी चीज नहीं बचेगी। बिल्ली से ज्यादा तो तुम लोग चीजें तोड़ रहे हो। मेरे दिमाग में जिप करके एक कमाल का आइडिया आया है, मेरा नया आविष्कार। हीर, जरा डॉग की आवाज तो निकालो। बॉस, ये तूने क्या किया? पूरा घर हिल चुका है। सॉरी दादाजी, पर हम क्या करें, हमें जानवरों से बहुत प्यार है। हमें भी। ओ, तो ये बात है, तो मैं तुम सबको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हमको बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर प्यार करने को मिलेंगे। कौन सी जगह है दादाजी? कीनिया के मसाई मारा नेशनल पार्क। ये! दादाजी, है ना बेटा, तभी तो मैं तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। दादाजी, अब आप सर से प्लेन लैंड कर दीजिए ना, हमें जानवरों को पास से देखना है। अभी लो। सर से हम नीचे उतरने वाले थे, फिर फर से ऊपर क्यों उड़ गए? लास्ट मोमेंट पर हवाई पट्टी पर ज़ीब्रा आ गए थे। दादाजी, ज़ीब्राज हट चुके हैं, अब हम उतर सकते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ। वापस उड़ाइए उड़ाइए, भैंसे आ गई हैं। दादाजी, इस साइड में कहीं उतार लीजिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। हम बच गए हैं। ये! होटर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे नूर, मेरे हीरे, मेरे जवाहरात, मेरे चांदी, मेरे सोने, मेरे यार। बहुत एक्सपेंसिव बना दिया तुमने हमें। दोस्त सभी प्राइसलेस होते हैं, लेकिन तुम एक तरफ ही क्यों देख रहे हो? मेरी गर्दन अकड़ गई है इसलिए। मेरे बच्चों से मिलो, मीर धीर हीर। बेटा, ये है अंकल मुक्का मारो, मसाई मारा नेशनल पार्क के रेंजर हैं ये। हेलो अंकल मुक्का मारो। मीट माय बॉस। हेलो बॉस, तुम्हारा बॉस भी है, हमें पता नहीं था। इसका नाम है बॉस। ओह, हेलो बॉस, मुक्का मारो। ये तुमने क्या किया? अरे, इन्होंने कहा मुक्का मारो तो हमने मार दिया। आप ही तो कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। बॉस, अंकल का नाम है मुक्का मारो। सॉरी अंकल। नो सॉरी, तुम्हारे पन से हमारी गर्दन ठीक हो गई। थैंक यू। एक और मुक्का मारे। नो नो, इनफ, आई एम गुड। हीर बेताब हुई, अब जानवरों से मिलने चलिए ना।
मसाई मारा। ये कह रहे हैं कि ये हमें देखकर खुश है और ये कह रहे हैं कि हम सब बहुत क्यूट है। हीर खुश हुई। क्यों हुई? क्योंकि हीर को पता चला है कि इस बेबी जिराफ का आज हैप्पी बर्थडे है। तो फिर हमको इसका बर्थडे मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बर्थडे केक कहाँ से आएगा? मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। थैंक यू कह रहा है। बाय। यारो मुक्का मारो लेकर आया है तुम्हें मिलवाने मसाई मारा की आन बान और शान से। प्रेजेंटिंग एलिफेंट्स ऑफ मसाई मारा। वाओ। इन सबको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? इन सबके दांत बाहर आ गए हैं इसीलिए। हीर दुखी हुई। वो देखो एक बेबी एलिफेंट मटरू मटरू करके रो रहा है। इसके पापा का नाम मटरू है जो दो दिन से लापता है इसलिए ये रो रहा है। यारो समझ गया मुक्का मारो। क्या समझ गए? ये काम टस्कर तस्करों का है, हाथी के दांत चुराने वाले चोर। ध्यान से देखो इन हाथियों को। हाँ इनमें से बहुत सारे हाथियों के कोई दांत काट कर ले गया है। यानी टस्कर की टस्करी के लिए हाथियों को कोई पार्क के बाहर ले जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। हम मासूम जानवरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। क्या फैब फाइव इस मिशन के लिए तैयार है? हीर, जरा इससे पूछो कि इसके पापा को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ये कह रहा है कि पापा को गन्ने बहुत पसंद है। गन्ने की खेती मसाई मारा में तो नहीं है लेकिन इसके बाहर हो सकती है। लेट्स गो। रोको रोको। बुझी हुई राख। इसका इस्तेमाल तो जानवरों को बांधने के लिए करते हैं। इट मींस स्मगलर्स यहाँ से होकर गुजरे हैं। लेट्स गो। बॉनफायर को बंद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी भी गर्म है। हम सर से यहाँ से सरक लिए थे फिर यहीं आ गए। बच्चों ये जंगल भूल भुलैया है, कुछ समझ नहीं आता। ही को चिंता हुई। अब हम मटरू एलिफेंट को कैसे ढूंढेंगे? एक तरीका है जिससे हम उनके पास तो नहीं पहुंच सकते लेकिन वो हमारे पास पहुंचेंगे। कौन सा तरीका धीर? मीर तुमने घर में डॉग का डमी बनाया था ना, क्या तुम एलिफेंट का डमी बना सकते हो? डोंट वरी धीर, मेरे पास एलिफेंट का एयर सूट भी है। फर से आप सब लोग इसके अंदर चले जाइए। बार बार सूंड को ऊपर करते रहना। अंकल आप अपने हाथी की आवाज निकालना। हाँ अंकल, आप बस मुंह से हाथी की आवाज निकालिए जोर से। इतना बड़ा दांत वाला हाथी हमने पहली बार देखा है। इसे गन्ने को लालच दो और अपने अड्डे पर लेकर चलो। मुक्का मारो का इसे मुक्के मारने का मन कर रहा है। हुआ क्या? एक आदमी हमें गन्ने का लालच दे रहा है। ओह,
तो ये हमें कहीं लेकर जाना चाहता है। कोई बात नहीं अंकल, हम उस आदमी को फॉलो करेंगे। मटरू मिल गया, उसे बांध कर रखा हुआ है। उस गन्ने वाले आदमी को छोड़ो और मटरू के पास चलो। मैंने उसे बता दिया है कि हम उसे बचाने आए हैं। थैंक यू कह रहा है। धीर, जल्दी से जाकर मटरू को खोल दो। इसे कह दो हीर कि ये अपने परिवार के पास वापस चला जाए। आ रहा है फंसने। एक बार ये हाथी मैंने फंसा लिया तो बॉस खुश हो जाएंगे। आ गया गड्ढा। अरे को घबराहट हुई। कहाँ हैं हम? हम लोग एक बड़े से गड्ढे में हैं। हमें हाथी समझकर इन लोगों ने गड्ढे में फंसा दिया है। हमें कुछ लोगों ने घेर लिया है। आ गया है गामा गम्बोई। गैम्बा गम्बोई, इस हाथी को मैंने पकड़ कर लाई। खुश हुआ गामा गम्बोई, इसे बाहर निकालो। अम्मा, अरे हमें यहाँ गड्ढे में बहुत डर लग रहा है। ए भैया, अरे भैया, अरे कोई हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज तो हाथी में से आई। तुम ये बोलने वाला हाथी पकड़ कर लाई? ये तो बड़ा हल्का हाथी है भाई। तुमने हमें बेवकूफ बनाई। मुक्का मारो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। अरे हमें बाहर निकाल दो अंकल, यह बड़ी भूख लग रही है। मीर, कुछ कर सकते हो? सॉरी, आज मेरे पास जेट पैक्स भी नहीं है, वरना उड़कर बाहर चले जाते। अब हम नहीं बच सकते हैं। हीर खुश हुई, मटरू हमें बचाने आया है। थैंक यू मटरू। हीर, मटरू से कह दो कि उसकी किडनैपिंग का बदला लेने का टाइम आ गया है। तुझसे बहुत गुस्सा है गामा गम्बोई। नहीं मटरू, मैं इनसे अकेले बात करूँगा। खुश हुआ गामा गम्बोई। धीर, तुम्हें इसके पैरों पर अटैक करना होगा, वरना तुम जीत नहीं सकते। Subscribe to Sony A for more such fun videos.